हरि हत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रावे ते भाई जो भक्ति आए को नमाए स्तुति बहुचारी है। धन्य धन्य तीन जे काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा छत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से छठे लंब को आधार बनाकर रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है यह चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी और अंतिम चरणों में यह बात कही गई कि भाई दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहते हों, सच्चा मार्ग तो यही है। सारा जगत कुछ कुछ करने की कहता हूँ आपको, ये करो ये करो, इससे धर्म हो जाएगा, इससे धर्म हो जाएगा। दुनिया भर के क्रियाकांड में धर्म बतलाता हो, हम किसी क्रिया का निषेध नहीं करते, लेकिन धर्म क्या है इसे समझो तो सही। आप यदि धर्म को गहराई से नहीं समझेंगे तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ धर्म बने का भ्रम हो जाएगा। भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे, सारे जगत में भगवान के कर्तृत्व संबंधी ऐसी मान्यता बैठी हुई है कि बहुत मुश्किल है जगत के जीवों को समझाना। क्या ये दीपेश जी कैसे समझने लगे पता नहीं मेरे को, बाकी बड़ा कठिन काम है। आप किसी व्यक्ति को ये बातें समझाओ ना तो व्यक्ति ऐसा समझने लगता है कि हमसे धर्म छुड़ा रहे हैं। ये सारे जगत से विपरीत बात है ना, सारे जगत से विपरीत बात है। अनादि काल के हमारे संस्कार इस तरह के पड़े हुए हैं कि हमें वही अच्छा लगता है। कुछ समझ लो आप, कुछ करने में ही हमारे को लगता है धर्म है। कुछ बतलाओ, कुछ इससे हो जाएगा, कुछ इससे ये हो जाएगा, कुछ मंत्रों से भला हो जाएगा, इसी तरह की प्रवृत्तियों वाले सारा जगत दिखाई देता है। कल भक्तावर मंडल विधान था हमारे एमली फाटक, यहाँ से गया था मैं सीधा, क्या हमारे ही परिवार से था यद्यपि, लेकिन वो सब जो चल रहा था वो सब क्या कहें उसके बारे में। माने ऐसा लगता है किसको समझाओ, क्या समझाओ, कोई समझना ही नहीं चाहता है। क्या कर रहे हैं आप, क्या करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भगवान सामने विराजमान है और आप अपनी सोचे जा रहे हो इससे मेरा ये संकट दूर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। न आदिनाथ भगवान करेंगे, न मानतुंग आचार्य वहाँ से आएंगे। आप अपने कर्मों का क्या होगा, यदि मैं मेरे उपकार भगवान ही करेंगे तो फिर मेरे कर्मों का क्या होगा, बतलाओ। यदि बतलाओ आपके रज मेरे माथे पर लगने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे तो फिर मेरे नाम कर्म का क्या होगा, मेरे वेदनी कर्म का क्या होगा। आप भगवान की भक्ति तो निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए ना, ये स्वार्थियों का धर्म थोड़ी ना। हम तो जगत में भी किसी के यहाँ जाते हैं, आजकल देखो क्या हो गया है समाज की स्थिति, किसी के भी घर में जाओ तो ऐसे कोई किसी के मिलने नहीं जाता बिना स्वार्थ के। हमने वो स्थिति देखी है बचपन में, हमारे दादी जी घर में थे तो कितने लोग मिलने आते थे। वो जमाना था एक, माने दूर दूर से रिश्तेदार, दूर दूर की रिश्तेदारी वाले लोग हैं, सिर्फ किस लिए आए, मिलने आए हैं, अम्मा जी की तबीयत कैसी है, मिलने आए हैं। अब आज कौन किसके यहाँ मिलने जाता है बताओ, अपन ही नहीं जाते, कोई आता नहीं है, सब खत्म ही जैसा हो गया। किसी के जाएंगे तो उनके जाएंगे जिनसे अपना कुछ स्वार्थ सदता हो। अरे यार उनसे तो भाई साहब वो तो उनके नहीं जाओगे तो भाई साहब अभी अपने काम के आदमी वो काम के आदमी हैं, उनसे बना करके चलना है अपने को।
कितना स्वार्थ देखते हैं। अब मैं इसी बात को दूसरी जगह लागू करता हूँ, बतलाओ भगवान के दरवाजे भी आप यदि अपना स्वार्थ देख करके ही आए तो तुम्हारी उस वृत्ति और इस वृत्ति में क्या फर्क रहा? तुम भगवान के दरवाजे भी ये सोच करके आए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ये भगवान के दरवाजे चलना चाहिए मेरे को, तो आप गलत भावना से आए ना भगवान के पास में। निस्वार्थ भावना से भगवान के पास में आना चाहिए ना, स्वार्थ नहीं होना चाहिए ना, कुछ भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए ना हमारे को, भगवान भला कर देंगे, ये कर देंगे। ये रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। सारा जिनागम एक तरफ हो गया और हमारी मिथ्या मान्यता ही हावी दिखाई देती है हर क्रिया में। सारा जिनागम क्या कह रहा है, सारे वितरागी संत क्या कह रहे हैं, सारी दिगंबर परंपरा क्या कह रही है, उसको सबको बुला करके ताक में धर दिया हमने और हम ये कहने लगे भगवान आदिनाथ स्वामी आप ही करोगे जो करोगे, आप ही के भरोसे है, डूबेगी नहीं, डूबेगी नहीं है भैया तेरी, तो गलत मार्ग पर चल गया है, ये मार्ग कुछ और है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ सब अपने ही लोग होते हैं, किसी किसी को कुछ कहने का भाव भी आता है, कभी ये भी लगता है कि उनको क्या कहो, कह दिया पहले एक बार, अब जो जो करेंगे जो करेंगे क्या करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग। कल कितनी दृढ़ता से हमने बात कही थी, अन्य मतों के संदर्भ में बात कही थी हमने, तुम मानो तो मानो और नहीं मानो तो नहीं मानो, बात तो सच्ची ही है कि साहब इससे ये हो जाएगा इससे या नहीं, नहीं अपन काय को किसी से दुश्मनी मोल ले हुए, अपने लिए तो सब एक जैसे ही हैं। तू कौन सी दुश्मनी की बात कर रहा है, अपने आप से दुश्मनी कर रहा है? मैं तत्व के विमुख जाकर के जैन साहब मैं अपने आप से दुश्मनी कर रहा हूं, मैं दूसरों की परवाह करने में, दूसरों की अपेक्षा करने में अपने आप की उपेक्षा कर रहा हूं, मेरा नुकसान होगा। अरे मैं यदि मर करके नरक निगोद में चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं अपने आप के बारे में विचार नहीं करूं, मैं दूसरों के बारे में सोचता रहूं वो क्या सोचेंगे, उन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा साहब हम नहीं जाएंगे हम नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, अरे उनके बुरा मानने की परवाह कर रहे हैं, और मैं नरक में जाकर के सागरों पर्यंत वहां दुख उठाऊंगा वो नहीं दिख रहा है अपने को, फिर क्या होगा, बड़ा मुश्किल काम है, कोई साथ नहीं, वहां वहां तो अकेले अकेले भुगतना पड़ेगा, पहचानने से इनकार कर देंगे, जाएंगे तो वो भी वहीं, सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, छेड़ा लाल की लाइनें हैं, चाहे मेरी भावना बारे भावना की लाइनें देख लो, चाहे मेरी भावना की लाइनें देख लो, चाहे पूजन पाठ में देख लो, चाहे स्तुतियों में देख लो, चाहे आचार्यों के ग्रंथों में देख लो, कदम कदम पर कहते हैं जे करम पूरव किए खोटे अभी कह नहीं सहूं मैं तो, मैं काहे को सहूंगा भगवान आप मेरे साथ हो, मैं काहे को सहूंगा, नहीं सहूंगा मैं तो, हो गई क्यों 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 नहीं सहेगा भैया, सहना पड़ेगा, तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग आया ना, जो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे क्या उनके पाप कर्म के उदय में उपसर्ग नहीं आया, ये बताओ। जिनका नाम लेने से तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे, एक बात बतलाओ क्या उनके ऊपर संकट नहीं आया, उनके ऊपर भी तो आया है ना संकट, पाप कर्म का उदय तो उनके ऊपर भी आया है ना, तो फिर क्या उपाय है भगवान नहीं बचाएंगे तो, कि आप अपने पाप कर्म के उदय में सहज रहें, शांत रहें और विचार करें जनवाणी का, शांत रहने का प्रयास करें। इससे क्या होगा साहब, इससे वो कर्म कट जाएगा क्या, कि कर्म कटे चाहे ना कटे, लेकिन तुम उस परिस्थिति में समता भाव रखोगे तो तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ये शांत रहने की कला सिखा रहा है जैन दर्शन। संभालो अपने आप को, धोखे में मत रहो, किसी के भरोसे मत बैठे रहो। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कोई ऐसे ना हो जो भगवान के भरोसे बैठे रहे, मैं भगवान ही करेंगे, भगवान ही बचाएंगे, भगवान ही बचाएंगे। पहले सेमिनार वगैरह लेते थे, जाते थे सेमिनारों में, तो वो इस तरह की कुछ कहानियां सुनाया करते थे, कर्तावादियों की मान्यताओं की संबंधी है यद्यपि, लेकिन बात कुछ इसी तरह की है। एक गांव में एक बार बाढ़ आ गई, क्या बाढ़ आ गई, तो भक्त थे वहाँ, एक बहुत ज़बरदस्त भक्त था, वो भगवान का भक्त था। बाढ़ आ गई तो सारा अलर्ट कर दिया गया, सबको सेना आ गई सारे बचाने के लिए, नहीं नहीं मैं तो भगवान का भक्त हूँ,
मुझे बचाने के लिए तो भगवान ही आए। सुनी, फिर थोड़े देर बाद में पानी और धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो बोट भेज दी, बोट आ गई, व्यवस्था हुई, सब लोगों को बचा रहे हैं, धीरे धीरे सैनिक बचा रहे हैं, सिपाही आ गए हैं बचाने के लिए, नाव आ गई कि चलो चलो, कि नहीं नहीं मैं तो भगवान का पक्का भक्त हूँ, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे, तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले, भगवान ही बचाएंगे मेरे को। पानी और बढ़ता चला गया, अब पानी बढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ गया मंजिल पर, चढ़ता जा रहा है पानी, बढ़ता चला जा रहा है, हेलीकॉप्टर आ गया, क्या आओ भाई क्या कर रहे हो, चढ़ो हाथ दो, कि नहीं नहीं तुम होते कौन हो, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे। फिर क्या हुआ होगा भाई साहब, पानी में बह गया, मर गया। अन्य मतियों की कथा बतला रहा हूँ, कहानी न्यूज़पेपर की कथा जैसी समझो, जैन दर्शन में तो ये सब कुछ होता नहीं है, मर के चला गया, ऊपर भगवान के पास जाकर के शिकायत करी, भगवान जिंदगी भर में तुम्हारी इतनी भक्ति करता रहा, तुम बचाने के लिए नहीं आए, तुम आए नहीं मेरे को बचाने के लिए। तो भगवान ने उसको ये कहा कि मूर्ख, मैं आया तो था, तेरे को भेजा तो था, तू ही नहीं पहचान पाया। कभी सिपाहियों के रूप में आ गया बचाने के लिए, कभी नाव लेकर के आ गया, कभी हेलीकॉप्टर लेकर के आ गया, तू ही नहीं पहचान पाया। भाई साहब, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आपको, ये भगवान साक्षात उतर करके नहीं आएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे को बचाएंगे। क्या आपको समझना पड़ेगा, भगवान तो कुछ करते नहीं है, उसने तो कह दिया भगवान के पास चला गया, भगवान ने भी कह दी, ये चर्चा हो गई वहाँ की, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं तुम्हारे को, तुम यदि भगवान भरोसे बैठे रहोगे तो परलोक सिधार जाओगे, ये भगवान भरोसे बैठे रहने का काम नहीं है, तुझे से जो पुरुषार्थ बन पड़ता है सो तू कर, किसी भी कार्य के संदर्भ में तेरा उदय अच्छा होगा, पूर्व के किए गए कर्म यदि योग्य होंगे तो बचने का योग होगा तो बचेगा, और यदि नहीं बचने का योग होगा तो भी शांत रहने की कला सीख ले, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये कला सीख ले तू, तो होगा जैसा होगा, हम शांत है, हम सहज है। देखो यहाँ रत्नत्रय मोक्ष मार्ग कहकर के कह दिया, बाह्य तप उलझो मत इसमें, ये साधन मात्र है बाहरी तप, असली बात कुछ और ही है। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं आज अपन नीचे, ये पढ़ लिया था क्या अपन ने, इससे भिन्न अंशनादि सब बाह्य तप हैं, जो इन तीन के साधन हैं अर्थात निमित्त कारण हैं, वे भी बाह्य तप में गर्भित हैं। विशेषार्थ देखो, रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, वीतरागता ये मुक्ति का मार्ग है, शुद्धि सच्चा सुख ये इत्यादि कहा है रत्नत्रय को, रत्नत्रय को ही सच्चा सुख का है, ये सच्चा साथी है, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा साथी है। अणुव्रत महाव्रत या अंशनादि बाह्य तप आदि रत्नत्रय के उत्पादक कारण नहीं है, माने इनसे रत्नत्रय उत्पन्न नहीं होता। कि साहब रत्नत्रय का तेला करें, तेला भी होता है रत्नत्रय का, रत्नत्रय का तेला करें तो उससे तो रत्नत्रय होगा कि नहीं होगा, रत्नत्रय के तेले में वो त्रय ही कॉमन है बस। रत्न गाय में रत्नत्रय, त्रय माने तीन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो गायब हो गए और ये तीन की जगह तीन उपवास रह गए। ये रत्नत्रय का तेला तो इसलिए किया जाता है कि हम अपने आत्म स्वमीप के स्वभाव के नजदीक आए, उपवास, वास माने होता है रहना, उप माने होता है नजदीक, जैसे उपन्यास होता है ना, उपन्यास मतलब क्या होता है, उपन्यास, न्यास माने होता है ज्ञान और उप माने नजदीक, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट का गहराई से ज्ञान कराया जाए, नजदीकी से ऑपरेशन किया जाए, उसका नाम है उपन्यास, है उपवास। उपमंत्री कौन है, उपमंत्री मंत्री के जो सबसे खास है, मंत्री के बाद जिसका नंबर आता है बिल्कुल खास, वो उपमंत्री, ऐसे वास माने होता है रहना और उप माने नजदीक, तो अपने स्वभाव के नजदीक रहने का नाम है उपवास, तो
तो फिर साहब भोजन आदि का त्याग क्यों कराया जाता है? कि इसलिए कराया जाता है कि तू भोजन आदि के क्रियाकलापों में उलझा नहीं रहे, वहां से छूटकर अपने नजदीक आए, इसलिए उसे कहते हैं उपवास। अब तू भोजन तो छोड़ दिया और अपने नजदीक आया नहीं, तो और दूर चला गया, तो उसका नाम उपवास नहीं है। ऐसे भोजन त्याग की क्रिया को उपवास मात्र नहीं कहते। देखो क्या कह रहे हैं, अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, विशेष अर्थ की दूसरी लाइन। अणुव्रत किसके होते हैं भैया? अणुव्रत जानते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो पांच पाप हैं। इन पांच पापों का थोड़ा, अणु मतलब छोटा, छोटा छोटा त्याग करना, इन पांच पापों को थोड़ा छोड़ना, वो अणुव्रत। और महाव्रत माने इन पांच पापों का पूरी तरह से त्याग करना, वो महाव्रत। वो मुनि राजाओं के, अणुव्रत गृहस्थों के, ठीक है, श्रावकों के, और महाव्रत साधुओं के, या फिर अनशनादिक बाह्य तप, उपवास, एकासन, और जो भी कहे हैं, ये सब तप। ये कह रहे हैं ये रत्नत्रय के उत्पादक कारण नहीं है, अपितु ज्ञापक कारण है। दो बातें, एक का उत्पादक कारण, एक का ज्ञापक कारण। उत्पादक कारण कहते हैं जिससे उत्पन्न होता हो, इससे पैदा हो, ये उत्पादक कारण। ज्ञापक कारण कहलाते हैं कि उत्पन्न तो नहीं होता लेकिन इनसे पता लगता है, जानकारी में आता है। किसी व्यक्ति ने अणुव्रत ले रखे हैं, कोई महाव्रती है, तो बाहर से देखने में पता लगता है कि ये रत्नत्रय संपन्न होंगे, एक बताने वाले हैं। इनके, इनको लेने से रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्ञापक हैं, बताने वाले हैं, जानकारी कराने वाले हैं। ज्ञापक कारण को निमित्त कारण भी कहते हैं, ठीक है, उससे पता लग रहा है हमारे को, निमित्त कारण है, असली कारण नहीं है। देखिए, बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। अब कोई ऊपर इस बात को सुन करके समझ ले, अरे साहब ठीक है, फिर तो अपने तो अंतरंग ही करो, काहे को भूखे रहो। उसको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, बाह्य तप के बिना अंतरंग नहीं होता। बाह्य भी जरूरी है, अंतरंग भी जरूरी है, दोनों ही हैं। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्य का स्वभाव है। बाह्येतर उपाधि, दोनों तरह का काम चाहिए, दोनों तरह के निमित्तों से काम होगा। कार्येषु ते द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव से काम होगा। पहले बाह्य शुरू होगा, पहले अंतरंग शुरू होगा। अंतरंग के बिना बहिरंग नहीं होता, दोनों तरफ से है काम। पहले हाँ अंतरंग होगा तो बाहर अपने आप ही होगा, लेकिन अंतरंग करने के लिए व्यावहारिक भूमिका में बाहर से प्रयास करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए कभी ऐसा कहते हैं कि बाहर पूर्वक बाहर होगा तो अंतरंग होने के चांस है, और कभी ये कहा जाता है अंतरंग होगा तो बाहर होगा, तो फिर सुमेल है इनमें। देखो ऐसा है, बाहर जिसके व्यावहारिक भूमिका में थोड़ा भी नहीं है उसके अंतरंग नहीं हो सकता। अब जिसके अंतरंग होता है उसके बहिरंग सच्चा कहलाता है। जैसे देखो आप, हम ये कहें कि भाई किसी भी क्रिया के संदर्भ में समझ लो आप, कि कोई व्यक्ति धर्म करना चाहता है, अब यदि वो अंतरंग से माने अपन, तो अंतरंग से मानने पर अंतरंग से धर्मात्मा हो गया, तब तो उसके रात्रि भोजन आदि का सब त्याग हो गया। अंदर से जिसके, उसके तो बाहर में सब नियम होंगे ही। अब उल्टा लगाओ, जो व्यक्ति रात को खाता हो, जो व्यक्ति जमीगंध खाता हो, जो व्यक्ति मध्य मांस मधु का सेवन करता हो, अब उस व्यक्ति के आप कहो कि नहीं, पहले अंदर होगा तो बाहर से छूटेगा, ऐसा नहीं है। पहले मोटा मोटा तो छोड़, बाहर से कचरा तो हटा। मुसलमान भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है? मुसलमान के सम्यक दृष्टि होने में किसने मना किया? बिल्कुल हो सकता है, मुसलमान भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। अरे हम क्या त्रियंच हो सकते हैं? तो मुसलमान तो मनुष्य गति का जीव है, क्यों नहीं सम्यक दृष्टि हो सकता है? खाता पीता कैसे होगा? यही तो कह रहा हूँ, खाता पीता नहीं होगा, लेकिन यदि वो खाने पीने का त्याग कर दे तो क्या? पहले मोटा मोटा बाहर में त्याग करे, फिर बाहर में त्याग करे, फिर समझे, और फिर समझ करके समाए अपने में, तो हमें दर्शन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ जन्म से नहीं है, यहाँ कर्म से है। जैन धर्म कर्म से नहीं होता। अनुवृत्ति भी पंचम गुण स्थान तक की गई है बस। हाँ, शूद्र मुक्ति निषेध कहा ना 146 पेज पे, तो पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 146 पर शूद्र मुक्ति निषेध प्रकरण दिया, पंचम गुण स्थान तक की बात कही क्या? वही अंतरंग कारण है, त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन में ना काम होता नहीं, अंतरंग कारण तो वही है। लेकिन अंतरंग कारण ये मोटा मोटा, कोई व्यक्ति समझ लो आप मध्यमांस सेवन करता हो कि बहुत गलत काम करता हो, अब कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? कहा पहले मोटा मोटा कचरा हटा, अब कचरा हटाने के बाद अब समझ वस्तु स्वरूप को। ये मध्यमांस मधु के सेवन करते हुए ये समझने का भाव नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा। पहले वितरक्त होगी फिर सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले राग छूटेगा क्या? नहीं, उसका नाम वितरक्त है ना, मोटा मोटा छूटेगा ऐसा कहो। मोटा मोटा उसने जो पालन किया जाना चाहिए ना, एक जो योग्य आचरण होना, मतलब मेरा कहने का मतलब है सामान्य सदाचार पहले है, सामान्य सदाचार पहले, उसके बाद सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र, उसके बाद वो सच्चा चारित्र। अब जो भी पालन करेगा वो सम्यक चारित्र कहलाएगा, सम्यक दर्शन के पहले जो भी किया है वो सम्यक चारित्र नहीं है। थोड़ा बारीक है भाई, उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। चलिए, तो हाँ दोनों तरफ से सीखती है ना, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या भैया? हाँ देखो 22 नंबर का श्लोक देखो, बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। नैचे बाह्य तपो ही न माभ्यंतर तपो भवेत, तंद्रलस्य विक्लितेन जीवन्यादिकं विना। बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं हो सकता, निश्चय से जैसे अग्नि के बिना चावलों का पाक नहीं हो सकता। चावल पकेंगे अपनी योग्यता से पकेंगे, लेकिन बाहर में क्या चाहिए? अग्नि चाहिए, बाहर भी चाहिए अंतरंग भी चाहिए। हैं, कितना सुंदर सुमेल की बात कह रहे हैं। जैसे अग्नि, जल, बटलोई आदि बाह्य साधनों के बिना चावल नहीं पक सकते, उनका भात नहीं बन सकता, वैसे ही बाह्य तप के बिना अंतरंग तप हो ही नहीं सकता। बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं हो सकता। विशेषार्थ, यहाँ अंतरंग तप का अर्थ भीतराग्ता और बाह्य तप का अर्थ पुण्य परिणामों से है। नहीं तो पुण्य परिणामों की वैल्यू कह दी इन्होंने यहाँ थोड़ी बहुत। कोई व्यक्ति डायरेक्ट पाप से धर्म नहीं कर सकता, बीच में पुण्य आएगा, पुण्य पुण्य से ही आगे बढ़ेगा भैया। पाप से ऊपर उठ करके पुण्य के में आया, और पुण्य से ऊपर उठ करके धर्म होगा, शुद्ध में चला जाएगा। इसका मतलब रास्ता बतला रहे हैं। अंतरंग तप माने तो वितरागता, और बाह्य तप का अर्थ पुण्य परिणाम से है। साधक अवस्था में पुण्य परिणाम के बिना वितरागता प्रकट नहीं हो सकती, ऐसा कथन व्यवहार में से है। पुण्य परिणाम के बिना वितरागता प्रकट नहीं हो सकती साधक अवस्था में। पहले शुभ भाव आएंगे, लेकिन पुण्य परिणाम है तो कोई व्यक्ति ये सोचे अब तो काम हो गया, तो इस धोखे में मत रहना। पुण्य का मतलब तो ये हुआ आत्मा का ज्ञान हुआ। नहीं, हाँ ज्ञानात्मक भूमिका में कह दो शुभ भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। पुण्य परिणाम कह दिए जाते हैं, अच्छी बात है। ज्ञानात्मक दशा है, ये सब पुण्य परिणाम है। समझने समझाने का भाव सब पुण्य भाव है। जहाँ समझ लीजिए आप, यहाँ टोडरमल जी साहब ऐसा कहते हैं, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, ये विचार आया मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इनका फल क्या लगेगा, इत्यादि विचार पूर्वक जो जीव जिनवाणी सुनने के लिए आया, ये सब पुण्य परिणाम है। इन सब विचारों पूर्वक जिनवाणी सुनने के लिए आया, तो पुण्य परिणाम कहेंगे इसको अपन। बोले अब इसमें अटक गया, यहीं अटक गया, तो बोले धर्म नहीं हो पाएगा। और धर्म सच्चा कब होगा? जब यहाँ से अटकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। तब देखिए
बरसात होने के पहले आसमान में बादल छाते हैं क्या? यहाँ से हम बाहर जाएं, कितनी तेज धूप आ रही है, कोई ऊपर देख के कहेगा बरसात आने वाली है? कोई कह दे तो पागल ही कहेगा, पागल है क्या? दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं है, इतनी तेज धूप है जैसे बरसात आएगी, कैसे कह रहा है तू? इसका मतलब बिना बादलों के तो बरसात होती नहीं है, ठीक है? अब बादल छा गए, घने बादल छा गए, तो बोलो अब बरसात होगी कि नहीं होगी? गारंटी नहीं, इसका मतलब जब जब बरसात होगी तो बादल नियम से छाएंगे उसके पहले, लेकिन बादल छाएंगे तो बरसात होगी ऐसी गारंटी नहीं है। ऐसे ही वीतराग भाव रूप सच्चा धर्म होने के पहले नियम से पुण्य भाव होगा, लेकिन पुण्य भाव रूप बादल छा रहे हैं इसका मतलब वीतरागता रूपी बरसात होगी, ऐसा नियम नहीं। पुण्य का उदय क्या है? सेठ के ले गया ये पुण्य का उदय था, या आर्य नंदी जैसे गुरु मिल गए ये पुण्य का उदय था? सभी पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय एक थोड़ी ना होता है, पुण्य का उदय कई तरह का होता है। पुण्य से रोटियां भी मिलती है, पुण्य से धन भी मिलता है, पुण्य से मकान भी मिलता है। पुण्य प्रकृतियां तो 68 प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां 148 कर्म प्रकृतियों में से 68 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य है। पूरे 148 कर्म प्रकृतियों को दो भागों में बांटे ना, तो आधा एक तरफ पुण्य का हिस्सा और एक तरफ पाप का हिस्सा, 68 कर्म है। ये सैनी पंचेंद्री पना मिला ये भी पुण्य का उदय है, ये मनुष्य जीवन मिला ये भी पुण्य का उदय है। पुण्य एक प्रकार का थोड़ी ना होता है, अनगिनती प्रकार का पुण्य है। अब किसके किस जाति का पुण्य है, अब पुण्य के लेवल बनाओ, पुण्य के उदय के लेवल बनाओ और पुण्य बंधन के लेवल बनाओ। अब इसमें उदय भी अलग चीज है और बंधन भी अलग चीज है क्या? थोड़ा सा विभाजन ज्यादा हो रहे हैं, कठिन तो नहीं लग रही है बात? पुण्य के हमने दो हिस्से कर दिए, पुण्य का उदय और पुण्य बंधन, ठीक है? अभी वर्तमान में आपका पुण्य का उदय भी है और आप पुण्य बांध भी रहे, तो काम हो रहे। पुण्य का उदय था इसलिए जनवाणी सुनने का योग बन रहा है, और रुचि पूर्वक सुन करके भाव पूर्वक सुन करके आप पुण्य बांध रहे, दो काम हो रहे। अब कोई एक सेठ है, वो बहुत वैभव संपन्न है और वैभव को भोग रहा है, तो बोले पुण्य का उदय तो है लेकिन पाप बांध रहा है। उदय पुण्य का है, बंधन पाप का है। तो बंधन अलग चीज है और उदय अलग चीज है, ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें हो गई क्या साहब? तो पुण्य बंधन और पुण्य का उदय। अब एक की बात करो, किसी की भी बात कर लो, जैसे मान लो अपन पुण्य के बंधन की बात करें, पुण्य कैसे बंधता है, तो कहा पुण्य बंधन के लेवल बना लो बहुत सारे। जैसे कबूतरों को ज्वार डाला, पुण्य बंधेगा कि नहीं? बंधेगा। कि गरीबों की सेवा करी, पुण्य बंधेगा कि बंधेगा? पशु पक्षियों को दाना डालता है, पुण्य बंधेगा? अच्छा, बंदरों को केला देता है, बंधेगा? पुण्य बंधेगा, ठीक है, मंद परिणाम है, करुणा भाव है जीवों के प्रति। और आगे बढ़ो तो हमें ये बतलाओ, मंदिर आता है तो क्या होगा? मंदिर आ रहा है, पुण्य बांध रहा है, मंदिर आने से पुण्य बंधेगा, पूजन प्रक्षाल करने से देव पुण्य बंधेगा, उपवास करने से पुण्य बनता है, व्रत उपवास आदि करने से, तो ये स्वाध्याय करने से ये पुण्य बनता है। तो कितने तरह के पुण्य हो गए, पुण्य बंधन के कितने लेवल हो गए। अब उनमें से कौन सा अधिक आत्मा के बारे में चिंतन, बोले सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है। आप समझ रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट पुण्य किससे बंधेगा, ये बंधन की चर्चा कर रहे हैं। बोले आत्मस्वरूप के चिंतन मनन से सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता है। अब ये बंधने बंधने की बात करी, अब इसी तरह से उदय की बात करो। आपने पूछा उसके उदय के बारे में, जीवंधर कुमार के उदय के बारे में, कि जीवंधर कुमार को ये सब संयोग मिल गए, ये पुण्य का उदय था, सेठ उठा करके ले गया वो पुण्य का उदय था, गंधोत्कट ले गया था उसके यहाँ पालन पोषण हुआ वो पुण्य का उदय था, कि आर्य नंदी जैसे गुरु मिल गए वो पुण्य का उदय था, सब पुण्य के उदय हैं। लेकिन सेठ मिल गया और अच्छे से राजसी ठाट बाट के साथ में पालन पोषण होता रहा, ये कोई बहुत बड़ा पुण्य का उदय नहीं है। लेकिन आर्य नंदी जैसे गुरु मिले जिन्होंने वेद विज्ञान का अभ्यास कराया, ये तीव्र पुण्य का उदय है। पुण्य की जाति अलग अलग है, पुण्य के लेवल अलग अलग है।
मैं कहता हूँ आपको, आप वर्तमान में जो सुन रहे हो ये ऐसा पुण्य बांध रहे हैं, ऐसा उत्कृष्ट जाति का पुण्य बन रहा है कि आप करोड़ों अरबों रुपया दान दो उसकी तुलना में ये बंधने वाला पुण्य बहुत ज्यादा है। क्या ये बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य है? अनगिनती तीर्थ वंदनाएं करे आओ, आप कर लो और करा दो, क्या उसकी तुलना में ये जो शुभ भावों से जो पुण्य बन रहा है ये उत्कृष्ट जाति का पुण्य है। कारण क्या है कि ये पुण्य धर्म के नजदीक है। देखो कौन सा पुण्य ज्यादा उत्कृष्ट है दीपेश जी, इसका कैसे क्राइटेरिया बनाए अपन? ऐसे क्राइटेरिया बनाओ कि धर्म तो है वितरागता, वितरागता धर्म है। अब वितराग धर्म के जो जितना नजदीक है वो उतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य है, क्या? और जो उस वितराग धर्म से जितना दूर होता चला गया शुभ भाव, वो उतना हल्के स्तर का पुण्य। और जो उस वितराग स्तर से दूर होता गया शुभ परिणाम था वो तो पुण्य था, और जो वितराग स्तर के विपरीत परिणाम है बोले वो पाप है। बातें समझ में आ रही है क्या? कुछ है? क्या चल रहा है यहाँ? अब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का पुण्य बतलाओ क्या होगा। वीतरागता के सबसे नजदीक वाला पुण्य बतलाओ, सर्वोत्कृष्ट पुण्य बांधने वाला। पुण्य की चर्चा कर रहे हैं अभी, वीतरागता धर्म, तो फिर क्या होगा? बोले आत्मा में लीन होना यदि वीतरागता है तो लीन होने के जस्ट पहले आत्मस्वरूप के संदर्भ में चलने वाला जो उत्कृष्ट चिंतन है वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य भाव है। तत्व निर्णय वही, वो तत्व निर्णय की जो स्थिति है ना वही बात है, उत्कृष्ट जाति की बात कर रहे हैं वहां। अब उससे थोड़ा सा दूर किसको? अब आत्मा का गहराई से बैठ करके चिंतन कर रहा था, अब वहां से और थोड़ा दूर आया भैया, तो आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन तो नहीं कर रहा था, आत्म स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहा था। देखो चिंतन से दूर हो गई ना चर्चा, तो बोले चर्चा वाले में उससे थोड़ा कम पुण्य बंधेगा लेकिन पुण्य खूब बंध रहा है। अब आत्मस्वरूप की चर्चा से और दूर जाओ कि साहब हम तो चर्चा तो नहीं कर पा रहे लेकिन आत्मस्वरूप के बारे में सुनते जरूर हैं प्रवचन में, क्या तो ये सुनने वाले का पुण्य उससे कम है लेकिन बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य है। अब इससे दूर उतरो, दूर जाओ थोड़ा सा, बोले आत्मस्वरूप की चर्चा भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, लेकिन जो आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं ना उनके प्रति बहुमान का भाव है, भक्ति का भाव है, क्या? तो और थोड़ा सा दूर चले गए। तो मेरा कहने का था वहां से नजदीक आओ, अब माने जो पूजन भक्ति का जो परिणाम था उसमें जो पुण्य बंधता था उससे नजदीक आए, स्वाध्याय की तरफ बढ़े, और स्वाध्याय में भी हाँ तो आत्मस्वरूप की चर्चा ज्यादा पुण्य बन रहेगा, क्या देवशत गुरु के स्वरूप के चिंतन से आत्मस्वरूप की चर्चा। जो पुण्य नष्ट तो तभी होगा जब आत्मलीनता होगी, आत्मलीनता होगी तभी नष्ट होगा। तो पुण्य नष्ट क्या अपनी योग्यता से हो हुआ जाएगा क्या? नष्ट करने योग्य है ये तो श्रद्धा है, अब न तो हमें नष्ट करना है और न नष्ट करने के बारे में सोचना है, हमें तो ये सोचना है कि पुण्य बस बंधन का कारण था, योग्य नहीं था, इतनी बात सोच करके हम आगे बढ़ गए। अपने आप हो जाएगा, अब हमें क्या लेना देना उससे। पाप और पुण्य, पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश, क्या बाबूलाल जी साहब, क्या पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश, कहाँ की लाइन है बताओ? सोलह कारण पूजन की आखिरी की लाइन है ना, देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कह दी है यहां। लेकिन अब बाहर भी जरूरी है और अंदर भी जरूरी है। पैकिंग की बात कह दी थी हमने एक दिन बीच में, है ना, पैकिंग जितनी अच्छी होगी संभावना है माल उतना अच्छा होगा, लेकिन माल के दम पर पैकिंग है। पुण्य को नष्ट करने के लिए पुण्य का होना जरूरी हो गया, पुण्य को देखो क्या साहब, हम वही तो कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, माल की कीमत है पैकिंग की नहीं। समझदार लोग माल देखते हैं और ना समझ लोग सिर्फ पैकिंग पर रीछते हैं।
आप पैकिंग पे मत रीजो, आप माल देखो। हाँ माल अच्छा होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग भी बढ़िया होगी, माल अच्छा होगा तो पैकिंग अच्छी होगी, लेकिन पैकिंग ही अच्छी है माल नहीं हो तो सावधानी रखना। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं हम, प्रश्न था कि पुण्य को नष्ट करने के लिए पुण्य का होना जरूरी है? पुण्य को नष्ट करने के लिए पुण्य का होना जरूरी है, लेकिन आप पुण्य को नष्ट करने की सोच क्यों रहे हो? जो मेरा है ही नहीं, मैं काय का नष्ट करने की सोचूं? दोनों दोनों छोड़ने योग्य, दृष्टि हटी और अपने आप नष्ट हो जाएगा। किसी को नष्ट, देखो घर आए मेहमान को भगाने का एक ही उपाय है कि ध्यान मत दो। हाँ आपने उसको नेगलेक्ट किया और हो गया, कुछ नहीं करना है अपने को, अपने को अपने आप को संभालते रहो, आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो, उनका क्या होगा बोले वो आए चले जाएंगे अपने आप, यही उपाय है। देखिए वीतरागता, आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, नए व्यवहार नए से कह दिया इन्होंने यहाँ, पुण्य परिणाम के बिना वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए पुण्य परिणाम जरूरी है, इसलिए पुण्य परिणाम करो, इसलिए शुभ भाव करो, शुभ भाव की मर्यादा में आओ, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, चिंतन मनन करो, ये सब प्रवृत्तियां अपनी होनी चाहिए। देखिए वीतरागता का ज्ञान राग परिणाम पूर्वक होता है, ज्ञान वीतरागता है क्या समझो तो सही। जैसे एक वाक्य बहुत बोला करते थे पहले बचपन में, सुनते भी थे विद्वानों से भी, वीतरागी के राग बिना वीतरागी नहीं हो सकते, और वीतरागी के राग से भी वीतरागी नहीं हो सकते। क्या कहा, वापस बोल रहा हूँ, वीतरागी के राग बिना वीतरागी नहीं हुआ जा सकता। क्या कहा, वीतरागी के राग बिना वीतरागी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन वीतरागी के राग जब तक रहेगा तब तक वीतरागी नहीं होगी, छोड़ना पड़ेगा। मैं बैलेंस की जरूरत है भाई साहब, ये बैलेंस के बिना काम नहीं चलेगा। अरे जिसको वीतरागियों के प्रति राग नहीं है, जिसको वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं नहीं सुहाती है, जिसको जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन भक्ति का भाव नहीं आता है, वो क्या वीतरागी बनेगा? वीतरागी वो बन सकता है जिसे वीतरागियों के प्रति बहुमान का भाव आए, जिसे तीन लोक के नाथ वीतरागी जिनेंद्र देव के प्रति बहुत बहुमान का भाव आता है, वो वीतरागी बनने का पात्र जीव दिखाई देता है। किसाब हमें तो बहुत बहुमान है वीतरागी परमात्माओं के प्रति, वीतरागी मुनिराजों के प्रति बहुत बहुमान का भाव है, अब तो बन जाऊंगा ना, कि सुन जब तक ये राग रहेगा ना तब तक वीतरागी नहीं बन पाएगा क्या, तो ये राग भी छोड़ना पड़ेगा। ये इसी तरह की बात कह रहे हैं, वीतरागता का ज्ञान राग परिणाम पूर्वक होता है, राग के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा यहां समझना चाहिए। वीतरागता का ज्ञान और वीतरागता का प्रकट होना दो बातें हो गई जी साहब, वीतरागता का ज्ञान और वीतरागता प्रकट होना। तो वीतरागता का ज्ञान ये पुण्य परिणाम है, और वीतरागता का प्रकट होना उसमें पुण्य परिणाम है। तो पतंगी की क्या गलती जो आग बुझाने के लिए आपके नजदीक आ गया था? बुझाने के लिए थोड़ी ना आया था, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के राग से आया था क्या? अपने राग से आया है, आनंद आ रहा था उसको, तो भोगों की आग का काम है इस तरह का। ये भोग जो है ये आग जैसे हैं, लेकिन आग दिखते नहीं है और जल के भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ये जी। देखिए राग अर्थात पुण्य साधक की भूमिका में जब वीतरागता होती है, तब भूमिका अनुसार राग अर्थात अणुव्रत महाव्रत अंशनादि रूप पुण्य परिणाम अवश्य होते हैं। क्या दीपेश जी, अवश्य होते हैं, ये सब भूमिका के अनुसार होंगे, राग भी होगा, राग भी होगा, अभी ऐसे थोड़ी ना अभी चाहिए हो गए सब, ऐसे नहीं चलेगा। अणुव्रतों के पालन करने का राग भी होगा, महाव्रतों के पालन करने का राग भी होगा, राग भाव है लेकिन होगा, भूमिका के अनुसार होगा। छठा सातवां गुणस्थान है, मुनि भूमिका है, पीसी कमंडल हाथ में है, राग भी है, अभी पालन करने का राग भी है, ठीक है, ये अवश्य होते हैं, ये पुण्य परिणाम है। इसके स्पष्टीकरण के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय 7 संवर तत्व का अन्यथा रूप
पेज नंबर 228 संवर तत्व का अन्यथा रूप, इसमें नहीं लिखा पेज नंबर, लेकिन संवर तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा वहाँ लिखी है। तो वहाँ अन्यथा रूप प्रकरण तथा प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 5 की टीका का अवलोकन कीजिए। इस बैलेंस के बिना धर्म समझ में नहीं आएगा, धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। बहुत बातें हैं पुण्य पाप के संदर्भ में जब हम समझाते हैं तो ये प्रकरण स्पष्ट होते हैं, लेकिन हम इनकी गहराई में जा नहीं पाते हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं, अरे साहब पुण्य को ही कह रहे हो पुण्य, अरे पुण्य को ही कह रहे हो तुम, समझो तो सही। फिर साहब पुण्य छुड़ा रहे हो आप, पुण्य छुड़ाने की, अरे कहाँ छुड़ाने की बात कर रहे हैं, तेरे छुड़ाने से छूटता नहीं है। और पुण्य छुड़ा रहे हैं फिर भी, उसके बावजूद भी, ये बात कहने के बावजूद भी सब दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं ये बात सुनने के लिए। उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंद होता है, उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंद है, पुण्य छोड़ने के परिणामों से। धर्म नहीं है, हम पुण्य नहीं छुड़ा रहे, पुण्य में धर्म बुद्धि छुड़ा रहे हैं। क्या क्या फर्क हो गया? हम पुण्य नहीं छुड़ा रहे दीपेश, हम पुण्य छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उस पुण्य में जो धर्म बुद्धि थी वो छुड़ा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये जो पुण्य धर्म बन के बैठ गया था, शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बोलो भाई, भाई आचार के अंदर ही धर्म मान लिया, ये शुभाचार पुण्य बनकर के बैठा था। क्या स्थिति थी? सारा जगत पुण्य कर लो धर्म हो जाएगा, पुण्य कर लो, अब इससे और ज्यादा क्या धर्म करूंगा? 3 दिन के उपवास कर लिए, 10 दिन के उपवास कर लिए, दिन भर मंदिर में बैठा रहता हूँ, इससे ज्यादा और क्या धर्म करूंगा? अब हो गए तो सक्षण जी पूरे, अब तो थोड़ा कर्म कर लेने दो। वो धर्म बन करके बैठा था, इसने असली धर्म को समझा ही नहीं। अंतर में जो धर्म परिणाम होता है, जो वितराग भावों का नाम धर्म है, जो वत्तु स्वभाव धर्म है, जो अहिंसा परम धर्म कहकर के पुकारा है, जो रत्नत्रय को धर्म कहा गया है, जो चारित्रम खलु धम्मो कहा गया है, जो दंशन मूलो धम्मो कहकर के पुकारा गया है, उस धर्म को पहचाना ही नहीं हमने। धर्म के नाम पर कर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है, क्या कर्म 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 किए जा रहा है और समझ रहा है धर्म और हो रहा है भ्रम, क्या हो रहा है संसार भ्रमण, और इससे हो रहा है संसार परिभ्रमण। तो यदि तू संसार परिभ्रमण को तोड़ना चाहता है, यदि तू संसार परिभ्रमण से बचना चाहता है, संसार परिभ्रमण से छूटना चाहता है, तो उपाय क्या है? तू एक बार समझ सच्चा धर्म क्या है। धर्म समझे बिना धर्म होता नहीं है, पूरे जगत में बिना समझे कोई काम नहीं होता। एक धर्म का ही काम ऐसा है जो बिना समझे करने को सब तैयार है। आप बिना समझे कपड़े का बिजनेस कर सकते हो? नहीं। आप बिना समझे हुए आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो? आप बिना समझे ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो? आपको समझ नहीं हो तो आपका क्या क्या बोलते हैं, पेपर का बिजनेस कर सकते हो आप? अब मुझे फर्नीचर की खबर नहीं है कुछ भी, किसी भी तरह की, मैं कर लूंगा? नहीं, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बिना समझे कोई काम नहीं कर सकता है। अरे बिना समझे हलवा नहीं बना सकता है। इन्हें नहीं समझ लिया मैंने रेसिपी पढ़ करके कि हलवे का लपटा बन जाएगा? तुझे पता है क्या क्या बना रहा है, क्या बन रहा है, तेरे को कुछ होश है? पहले समझना पड़ेगा, पहले क्या बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है। मैंने समझ लिया, पढ़ लिया कंप्यूटर पर, गूगल पर पढ़ पढ़ करके ड्राइविंग नहीं सीख सकता, पढ़ पढ़ करके स्विमिंग नहीं आती है, तेरे को सीखना पड़ेगा योगी गुरु के निर्देशन में, उसके बिना काम नहीं चलता है। पानी में उतरना पड़ेगा योगी गुरु के निर्देशन में। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारः। योग्य गुरु के निर्देशन में जब तक बैठ करके अभ्यास नहीं करेगा तब तक तू उस तत्व की बात को समझ नहीं पाएगा, धर्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ धर्म का क्षेत्र ऐसा है, किसी भी व्यक्ति से पूछो तो कहते इसमें समझना क्या है, मैं बताता हूँ। सब धर्म समझाने में लगे, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सब समझाने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं आप 4 लोगों को लेकर के किसी को समझाने की कोशिश करो धर्म क्या है, आपको समझा देंगे धर्म क्या है। कोई नहीं समझना चाहता। अब हम कह रहे हैं भाई साहब ये उपवास के बारे में समझने की जरूरत नहीं कि उपवास क्या होता है, पूजन करने के पहले ये समझने की जरूरत नहीं कि पूजन किसकी की जा रही है, पूजन क्यों की जा रही है, पूजन कैसे की जाती है, करो 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 ऐसे ही
ये धर्म का क्षेत्र ऐसा है जिसमें बिना समझे करने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। और हम ये कह रहे हैं समझ का नाम धर्म है, समझो और समझ करके करो, और इन बाह्य क्रियाओं को समझते समझते अंतरंग आत्म स्वरूप को समझो। अपने स्वरूप को समझने पर जब वितरागता प्रकट होती है तो सच्चा धर्म होता है। असली धर्म तो वही है और उसके निमित्त कारण स्वरूप ये बाह्य प्रवृत्तियां दिखाई देती है। हम सभी अपने जीवन में यथार्थ धर्म का स्वरूप समझकर सच्चा धर्म अवश्य प्रकट करें, इसी भावना से बात को यहीं देखा।